प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस का आगमन भारत हो चुका है वे सीधे अहमदाबाद पहुँचे हैं जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस का ये पहला भारत दौरा है और इस दौरे को दोनों देशों के रिश्तों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि अपने इस दौरे के दौरान एंथनी एल्बनीस प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी करेंगे विचार विमर्श भी, भी करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का अहमदाबाद में गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने आने से पहले ये उम्मीद भी जाहिर की कि उनके इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि अनेक मल्टीलेटरल uh, प्लेटफॉर्म्स पर भी एक दूसरे के साथ हैं जैसे क्वाड समूह और ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच हुई चर्चा से आगे बढ़ने की उम्मीद है जो विभिन्न विषय जिन पर चर्चा या आगे बात बढ़ने की उम्मीद है उसमें व्यापार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है दोनों देशों के बीच के व्यापार को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप तक ले जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है इसके अलावा निवेश को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के निवेशक भारत में निवेश कर सके इसको लेकर भारत की मौजूदा तस्वीर क्या है आर्थिक क्षेत्र की किस तरीके से विकास के क्षेत्रों में भारत सरकार काम कर रही है और उसमें निवेश को के लिए क्या महत्वपूर्ण अवसर हैं ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा दोनों देशों के बीच के विचार विमर्श में रहेगा इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों मिलकर काम कर सकते हैं क्योंकि भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने के लिए भारत लगातार प्रयासरत है ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास भी जो तकनीक है और जो तकनीक के माध्यम से भारत उसका लाभ उठा सकता है तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस का भारत में आगमन हो चुका है सबसे पहले वो अहमदाबाद पहुंचे हैं और जहां उन्होंने आज शाम को वो गांधी आश्रम भी जाएंगे और